इंटरनेट वर्क्स, कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आपको मालूम होगा लेकिन एक एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट को आप जो है एक शहर के मानिंद समझिए। अब कैसे आप समझिए कि जो है कि एक टाउन में, एक बस्ती में एक घर है, उस घर में जो है रूम है, सीढ़ियां हैं और जो है हॉल वगैरह है। अब ये रूम, ये सीढ़ियां, ये हॉल को जो है ये कनेक्शन होता है ना कि रूम से जो है आपने सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां उतर कर हॉल गए, तो ये क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया। और आप थोड़ा बड़ा अज्यूम करें कि अब एक शहर में एक घर था, कई घर आ गए, नहीं बस्ती में कई घर होते ना, उन घरों को कनेक्ट करने वाली कौन सी चीज होती है, रोड होती है। उन घरों को कनेक्ट करने वाली क्या चीज होती है, रोड होती है, कि रोड है जो जिसके जरिए जो है आप एक घर से दूसरे घर को कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स होती है, ठीक है, उन वेबसाइट्स को जो है इंटरनेट कनेक्ट करता है। farhanbajre.com, bajreonline.com, ये तमाम चीजों को क्या है, इंटरनेट कनेक्ट करके। अब सोचिए कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स, हाँ तो हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो ये क्या है, वेबसाइट्स को कनेक्ट करता है। उसके बाद होता क्या है, अगर आपको जाना है चारमीनार और आपको उसका रास्ता मालूम है, तो आप क्या करते हैं, सीधा अपनी गाड़ी लेते हैं, चारमीनार को जाते हैं। और आप हैदराबाद शहर में नए आए हुए हैं और आपने सिकंदराबाद स्टेशन पर आप उतरे हैं, अब आपको मालूम नहीं है चारमीनार कहाँ है। तो पुराने जमाने में क्या होते थे, येलो पेजेस होते थे कि वो जो है, और दूसरे डायरेक्टरीज होते थे, वो बुकों के जरिए रास्ते मालूम करते थे। आजकल गूगल मैप्स हैं, आप चारमीनार लगा देंगे, सीधा वो आपको डायरेक्शन बता देगा। उसी तरह इंटरनेट काम करता है। अगर आपको जो है farhanbajre.com मालूम है, तो आप गूगल पे इंटरनेट ब्राउजर ऑन करें, farhanbajre.com लिखे, सीधा आप पहुंच गए। और अगर आपको नहीं मालूम है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, जैसा गूगल मैप को इस्तेमाल लोकेशन के लिए करते हैं, उसी तरह गूगल सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं वो लोकेशन ढूंढने के लिए। यानी आपको farhanbajre.com है, .in है, या बेस्ट SEO कंसल्टेंट इन हैदराबाद आपको ढूंढना है, आप लिख दिए बेस्ट SEO कंसल्टेंट इन हैदराबाद, लिख दिए, तो वहां से आपको farhanbajre का एड्रेस मिल जाएगा।